हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और आपको बोर्ड पर तीन क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, तीन फंक्शन लिखे हुए हैं fx। एक ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एक 22 है और एक 34 है। ये मुझे किसी बच्चे ने भेजे थे। मुझे तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे। इसमें ना इन फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले इंटरवल हमें फाइंड करने हैं। यानी क्वेश्चन सिर्फ इतना था, फाइंड द इंटरवल फॉर विच fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि हमें वे इंटरवल फाइंड करने हैं जिनके लिए fx या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो वन बाई वन तरीका मैंने आपको बता ही रखा है, इंक्रीजिंग करना हो चाहे डिक्रीजिंग हमें प्रूव करना हो। सबसे पहले तो आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे इस 12 में fx दे रखा है आपको 3x की पावर 4 -4x³ -12x² +5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, एफ डैश एक्स हो जाएगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 12x की पावर 3 -12x² -24x, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको इसके फैक्टर करने होते हैं। आप इसके फैक्टर करने के लिए पहले देखें, कॉमन आ रहा है पूरे में 12x, 12x कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद ये बनेगा x² -x -2। फिर आप इसके भी फैक्टर करेंगे, 2 के ऐसे फैक्टर जिन्हें माइनस कर दें तो 1 हो जाए, वो होगा 2 और 1। तो फैक्टर करने के बाद आपको मिलेगा ये x-2 एंड x+1, फैक्टर करने के बाद, ठीक है ना। अब एफ डैश एक्स के फैक्टर ये हो गए। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, उस नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये होती है ना नंबर लाइन। अब क्या करना है, x की वैल्यू इन फैक्टर से निकालनी है आपको। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 0, 12 x को रखेंगे 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू 0। इस फैक्टर से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इस फैक्टर से x की वैल्यू -1 आएगी। फिर आप वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन मिल जाएगा आपको, ±±। अब आपको इंक्रीजिंग वाला इंटरवल देखना है, तो पॉजिटिव वाला इंटरवल आप ले लेंगे कि एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -1 to 0 यूनियन 2 to इन्फिनिटी, -1 से 0 और 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, इसमें तो इंक्रीजिंग होगा। और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के लिए निगेटिव देखिए कहाँ से कहाँ तक है, -∞ से -1, -1 यूनियन दूसरा है 0 to 2। तो दो इंटरवल को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूनियन का यूज करते हैं। तो नेगेटिव है -∞ से -1 एंड 0 to 2, इन दो में ये नेगेटिव है इसलिए एफ एक्स डिक्रीजिंग होगा। ओके, क्लियर हुआ ये। इस क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स और एक्स की वैल्यू दे रखी है 0 से लेकर 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक। जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाला है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले में नंबर लाइन वाला सिस्टम ज्यादा काम नहीं करता है। आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन डिसाइड करते हैं। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, इस तरीके से। तो यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू 0 से 2 पाई तक है, तो 0 से 2 पाई में कौन कौन से क्वाड्रेंट आ जाते हैं पहले आप ये चेक करिए। 0 से लेकर 2 पाई तक एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0, और पूरा एक रोटेशन कंप्लीट होने के बाद ये पूरी 2 पाई होगी, तो चारों क्वाड्रेंट कंसिडर हो जाते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू चारों क्वाड्रेंट वाली चलेगी। कुछ यूज होगा इसका भी थोड़ी देर में बताएंगे। पहले तो हमें इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन चेक करना है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए पहले आप डिफरेंशिएशन कर दें। एफ डैश एक्स इक्वल टू होगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस, और कोस का होगा -sin x, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि इस एफ डैश एक्स वाला जो भी ये फैक्टर है उसे 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं। जैसे आप इसे एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, 0 रखने पर क्या मिलेगा, कोस एक्स -sin x इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स। फिर कोस को आप डिवाइड में भी लेके आएंगे तो 10x = 1 मिलेगा आपको। कोस को इधर डिवाइड में ले आइए, साइन अपॉन कोस तो 10 हो जाएगा और उधर इंटू 1 बचेगा, तो 10x = 1 आया। अब 10 की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी 45 पर, क्योंकि प्लस है ना 10 की वैल्यू, पॉजिटिव 1 दो जगह होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट मतलब पाई अपॉन 4, 45 डिग्री पर होगी। थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 प्लस 45 आप करेंगे 225 हो जाएगा, तो
वो आएगा आपका पाई प्लस पाई बाई फोर। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि जो एक्स है वो पाई बाई फोर एंड फाइव पाई अपॉन फोर आएगा, ठीक है, पाई बाई फोर और फाइव पाई अपॉन फोर। तो अब आपको एक्स की वैल्यू जीरो से टू पाई तक चलानी है। देखिए एक नंबर लाइन बना ले आप, और इस नंबर लाइन पर एक्स की वैल्यू आप जीरो से स्टार्ट करें और टू पाई तक ही रखें, क्योंकि वहां बाउंडेशन दे रखी है कि एक्स की वैल्यू जीरो से टू पाई तक रहनी है। इसके बीच में पाई बाई फोर लेंगे आप और यहां पर लेंगे फाइव पाई अपॉन फोर, ठीक है। अब आपको इंटरवल चेक करना है, तीन इंटरवल हो गए, एक जीरो से पाई बाई फोर, एक पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, एक फाइव पाई बाई फोर से टू पाई। इंटरवल चेक करने का आपका बेसिक फंडा वही है कि जीरो और पाई बाई फोर के बीच की कोई भी एक वैल्यू, जैसे 30 डिग्री आप ले सकते हैं, इस 30 डिग्री को एफ डैश एक्स में रखिए। एफ डैश एक्स में 30 डिग्री रखेंगे, रख के देखते हैं। चलिए कोस 30 माइनस साइन 30, कोस 30 की वैल्यू होती है रूट थ्री अपॉन टू, साइन 30 की होती है 1 अपॉन 2, तो ये बचेगा रूट थ्री माइनस 1 अपॉन 2। रूट थ्री तो 1 से ज्यादा होता है, इसीलिए ये वाली वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, अल्टरनेट चलते हैं। ये सारी चीजें बेबी करो मेथड में आपने सीख रखी, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर आपको इंक्रीजिंग वाला इंटरवल लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/4 यूनियन, देखिए इंक्रीजिंग 0 से π/4 और 5π/4 से 2π, यूनियन 5π/4 to 2π, एंड एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव वाला इंटरवल आप देखेंगे, पाई बाई फोर से फाइव पाई बाई फोर, तो पाई बाई फोर टू फाइव पाई अपॉन फोर। इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, इन दोनों इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। 34 बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करिएगा। इस 34 क्वेश्चन में साइन 3x माइनस कोस 3x दे रखा है आपको, और x की वैल्यू 0 से पाई तक जानी है, तो हमें इसका भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल बताना है। तो सबसे पहले तो आप डिफरेंशिएशन तो कर ही लें इसका, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। फिर आप इसे 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू देखते हैं ना क्या क्या आएगी, तो 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा साइन 3x इक्वल टू माइनस कोस 3x, क्योंकि 3 से तो 3 कट जाएगा, ये 3 कॉमन आके खत्म हो जाएगा पूरा। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखिए 3 sin 3x इक्वल टू माइनस 3 cos 3x, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर कोस 3x को डिवाइड में लेके आप आइए, आप 10 3x इक्वल टू 1 बचेगा, 10 3x इक्वल टू 1। अब यहाँ से शुरू होती है ये एक्स वाली कहानी, x 0 से लेकर पाई तक है, x 0 से पाई तक है, तो 3x कहाँ तक होगा, 3x होगा 0 से लेकर 3π तक। तो अगर हम इसका भी देखें कि ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ x की वैल्यू 0, पूरा एक रोटेशन होने के बाद 2π और फिर हाफ रोटेशन के बाद 3π यहाँ तक पहुँचता है। तो इस पूरे में यहाँ से पूरा एक रोटेशन में 10 की एक्चुअली माइनस वन आएगा, माइनस वन आएगा तो फर्स्ट सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली वैल्यू मिलेगी। सेकंड में एक तो होता है पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस पाई अपॉन फोर, पहले रोटेशन में तो ये वैल्यू मिलेगी आपको। फिर आगे चले यहाँ मिलेगी 2π - π/4, ध्यान से समझते रहिएगा आप। अगर पहले रोटेशन की मैं बात करूं, क्योंकि 10 नेगेटिव है, नेगेटिव है तो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होता है पाई माइनस थीटा, फोर्थ के लिए होता है 2π - θ, थीटा यहाँ पाई बाई फोर होगा क्योंकि 10 की वैल्यू पाई बाई फोर पर होती है 1, ये पाई माइनस पाई बाई फोर, ये हो जाएगा 2π - π/4। फिर जैसे ही हम नेक्स्ट रोटेशन पर आगे बढ़े तो ये 3π - π/4, इस तरीके से आपको एक्स की तीन वैल्यू मिलती है, ये 3x की, तो 3x इक्वल टू आपका आएगा एक तो पाई माइनस पाई बाई फोर कोमा 2π - π/4 कोमा 3π - π/4, इन्हें सिक्वेंशली लिखा करें नंबर लाइन पर, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो अरेंज करते हैं, बिल्कुल सिक्वेंस में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो 3x इक्वल टू होगा आपका
थ्री पाई अपॉन फोर कोमा सेवन पाई अपॉन फोर एंड इलेवन पाई अपॉन फोर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में वैल्यू चाहिए आपको x की, ये 3x की वैल्यू आई है, तो x की वैल्यू के लिए आपको 3 से डिवाइड भी करना होगा इस पूरे को। जैसे ही आप 3 से डिवाइड करेंगे, ये पाई अपॉन 4, ये 7 पाई अपॉन 12 और ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन 12। इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सारी वैल्यू। अब फिर से आप एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस नंबर लाइन पर एक तो पाई बाई 4, अच्छा स्टार्टिंग इसकी कहाँ से होनी है, जीरो से लेकर पाई तक, क्योंकि ये नंबर लाइन एक्स के लिए बनती है। मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वैल्यू 3x की आई थी, लेकिन जो इंटरवल हम बताते हैं वो एक्स का बताते हैं। एक्स दे रखा है जीरो से पाई, हमें 3x में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि ये टेन 3x है माइनस 1 के बराबर, मतलब टेन का एंगल 3x है, तो 3x लेंगे तो जीरो से 3 पाई तक जाएगा, मतलब जो टेन का एंगल है वो जीरो से 3 पाई तक आ रहा है यहाँ पर, जीरो से 3 पाई तक। और जीरो से 3 पाई के लिए 3x की आपको ये तीन वैल्यू प्राप्त होती हैं, ये वाली तीन, ये 3x की वैल्यू है। लेकिन जब हम इंटरवल लिखते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का, तो इंटरवल आपको x का लिखना होता है, तो इसलिए यहाँ से x की वैल्यू निकाली, और x की वैल्यू जीरो से स्टार्ट करके और आपकी पाई तक, जीरो से पाई, ठीक है, सिर्फ इतना। और ये दे रखी है, मतलब स्टार्टिंग जीरो से होनी है, फाइनल पाई पर जाने, और एक्स की वैल्यू मिलती क्या है यहाँ पर जीरो रखने के बाद, एफ डैश एक्स को, एफ डैश एक्स को जीरो रखने के बाद एक्स की वैल्यू हमें एक तो मिली पाई अपॉन फोर, एक वैल्यू हमें मिली सेवन पाई अपॉन ट्वेल्व, और एक वैल्यू हमें मिली इलेवन पाई अपॉन ट्वेल्व। ये तीन वैल्यू हमें प्राप्त हुई यहाँ पर, एक दो तीन चार, ये चार पार्टीशन हो गए इस नंबर लाइन के, चार इंटरवल हुए, एक जीरो से पाई बाई फोर, एक पाई बाई फोर से सेवन पाई अपॉन ट्वेल्व, एक सेवन पाई अपॉन ट्वेल्व से इलेवन पाई अपॉन ट्वेल्व, और एक इलेवन पाई अपॉन ट्वेल्व से लेकर पाई तक। अब इनमें आप किसी भी एक को देख लें, प्लस माइनस, जैसे जीरो से पाई बाई फोर है, जीरो से पाई बाई फोर के बीच की कोई वैल्यू आप 30 डिग्री ले सकते हैं, और ये रफ वर्क है, आपको कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, फेयरली नहीं दिखाना है, ये रफ वर्क है। तो 30 डिग्री आप इस एफ डैश एक्स में रखें, ये था एफ डैश एक्स, यहाँ एक्स की जगह 30 रख के देखिए, इस एफ डैश एक्स में पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, एक्स की जगह 30 रखा, 30 रखते ही ये 3 cos 90 हो जाएगा प्लस 3 sin 90, cos 90 जीरो होता है, sin 91 होता है, आंसर प्लस 3 आया, मतलब पॉजिटिव आया, तो ये प्लस माइनस, प्लस और माइनस, आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन कर दिया प्लस माइनस, क्योंकि अल्टरनेट चलता है नंबर लाइन पर। अब आपको इंक्रीजिंग वाला इंटरवल लिखना है, तो बिल्कुल आप डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इन, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव इंटरवल, यानी कि 0 से पाई बाई 4 यूनियन 7 पाई अपॉन 12 से लेकर 11 पाई अपॉन 12 तक, एंड fx इज डिक्रीजिंग इन, डिक्रीजिंग के लिए निगेटिव इंटरवल, यानी पाई बाई फोर से लेकर सेवन पाई अपॉन ट्वेल्व यूनियन इलेवन पाई अपॉन ट्वेल्व से लेकर पाई, ठीक है, तो ये आंसर आ जाएंगे इसके। क्लियर हुआ आपको कुछ? तो ये तीनों क्वेश्चन से आपने ये भी देखा, ये सारे ना बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, एक्चुअली जिस बच्चे ने भी मुझे भेजा है वो सैंपल पेपर से लेकर भेजे थे उसने क्वेश्चन, तो बोर्ड एग्जाम में आपने देखा होगा, बस इसी टाइप के आते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बिल्कुल सेम वो ही है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको अच्छे से तैयार हो गया होगा उम्मीद है, ठीक है ना, तो इतना करिए आप।